नए साल की राम राम भाई लोगों, मैं थारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। भाई लोगों, साल के पहले दिन में मैं करने वाला हूँ तुम्हारा टेस्ट। हाँ जी, टेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट कौन सा करने वाला हूँ? वो टेस्ट करने वाला हूँ जिससे पास होकर तुमको पता चल जाएगा कि क्या तुम म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हो या फिर नहीं, क्या तुम्हें म्यूजिक की बेसिक समझ है या फिर नहीं। इसके लिए तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल टेस्ट करने वाले मेरे भाई लोगों। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि टेस्ट चालू करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑडियो से रिलेटेड होंगे, तो एक पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लेना। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाऊं आंसर तुमको देना है। मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद 5 सेकंड के टाइम में तुमने जो आंसर दिया उसको लिख लेना और फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो तुम्हारा आंसर सही हुआ या गलत हुआ उसको उसके आगे सही यानी कि राइट का निशान या फिर क्रॉस का निशान लगा देना कि तुम्हारा सही हुआ या गलत हुआ। ईमानदारी से लगाना भाई, क्योंकि तुमको खुद का खुद टेस्ट करना है कि तुम म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आज की डेट में बेसिक कैपेबिलिटी रखते हो या फिर नहीं। और फिर लास्ट में फाइनल रिजल्ट सबको जोड़ के अपना कमेंट करते रहना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर तुम पास होते हो अच्छे नंबरों से, यानी कि 80% से तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब भाई तुम म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे 60% से ऊपर है तो भाई फिर भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन 60% से नीचे नंबर रहते हैं इसका मतलब भाई सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, बेसिक म्यूजिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वो कैसे लेनी है वो भी सारी वीडियो में बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे तुम फेल हो चाहे तुम पास हो, टेंशन किधर से कुछ नहीं लेनी है। बस ये एक बेसिक टेस्ट है, ज्यादा कोई इसको हाई फाई टेस्ट भी नहीं लेना है, क्योंकि एकदम बेसिक जो म्यूजिक का होता है वो टेस्ट आज हम करने वाले हैं। और इस टेस्ट का नाम है टोन डेफ टेस्ट। तो चलो भाई टेस्ट हम करते हैं स्टार्ट। तो भाई ये आ गया अपन टोन डेफ टेस्ट के पेज पे। ये टेस्ट जो बनाया गया है ये बनाया गया है म्यूजिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि क्या कोई आदमी म्यूजिक को एकदम बेसिक से बेसिक, एकदम नीचे से नीचे लेवल पे समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है। अगर इस टेस्ट में जो पास हो जाता है तो मतलब वो आराम से गा भी सकता है, म्यूजिक बना सकता है, क्योंकि उसको सुरों की थोड़ी बहुत समझ है। लेकिन अगर नहीं हो पाते हो पास तो सबसे पहले तुमको करनी पड़ेगी सुरों की समझ। वो कैसे करनी होगी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले टेस्ट तो दे लो, पता चले तुम पास ही हो जाओ बहुत बढ़िया नंबर से मेरिट में आ जाओ तो भाई फिर तो कोई टेंशन नहीं है, म्यूजिक प्रोडक्शन आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो भाई देखो मैं बताता हूँ तुमको रूल्स। हाथ में कागज पेन ले लेना अपने नंबर लिखने के लिए। हर एक क्वेश्चन यूँ आएगा, क्वेश्चन तुम सही उत्तर देते हो या गलत देते हो वो नोट कर लेना। उसके बाद में नीचे कमेंट करते रहना कि पहले क्वेश्चन में तुम्हारा सही था, दूसरे में सही था, तीसरे में गलत था, जैसा भी था टोटल स्कोर अपना कमेंट करना कि टोटल क्वेश्चन में तुम्हारा कितना स्कोर आया। तो देखो रूल ये है, स्टेज ए और स्टेज बी दो टाइप के ये टेस्ट होंगे। पहले टेस्ट में क्या रूल होगा कि इसमें पूछा जाएगा कि दो नोट यानी दो ऑडियो तुमको सुनाई जाएगी। पियानो के नोट जो होते हैं पियानो टन 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 टन, उस तरीके से दो नोट सुनाए जाएंगे, वो सेम है या फिर डिफरेंट है, यानी वो एक ही नोट है, एक ही बटन को दो बार दबाया गया या फिर अलग अलग बटन पियानो के दबाए गए, ये तुमको बताना है। ठीक है, मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा तुमको बताना है, लिखना है और फिर मैं बताऊंगा कि वो उत्तर तुम्हारा सही है या फिर गलत है। ठीक है चलो, तो देखो एग्जांपल सुना देता हूं मैं। एग्जांपल में ये देखो, ये पहला नोट है ये दूसरा नोट है, तो ये हमको देखना है सेम है या फिर डिफरेंट है। सुनना, दूसरा, दोनों सेम है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे मैं तुमको खुद को बताना होगा उसके बाद में बताऊंगा। अब दूसरा वाला एग्जांपल सुनते हैं, ये दोनों डिफरेंट नोट्स है ना। तो इसी तरीके से आगे मैं सुनाऊंगा और फिर तुमको बताना है कि वो सेम है या फिर डिफरेंट है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन भाई लोगों एक महत्वपूर्ण सूचना, आज है साल का पहला दिन, कोर्स का डिस्काउंट मैं 31 दिसंबर को खत्म करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि साल की शुरुआत कुछ अच्छा गिफ्ट देकर करते हैं, तो आज के दिन भी डिस्काउंट अप्लीकेबल रहेगा 12 बजे तक 1 जनवरी को। यानी कि कंप्लीट एफएल स्टूडियो कोर्स मिलेगा 999 रुपए में, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके ले लेना। अगर ये टेस्ट पास कर लेते हो तो हाथ के हाथ लाइफ टाइम वैलिडिटी, फिर कभी भी सीख सकते हो, क्योंकि भाई तुम में कैपेबिलिटी है, तुम टोन डेफ नहीं हो। तो चलो चलते हैं वीडियो में। तो चलो मैं बजाता हूं पहला नोट, दूसरा, फिर से सुनो, पहला सेम है या फिर डिफरेंट। 5 गिनूंगा मैं, उत्तर लिख लेना अपना, 1 2 3 4 5। क्या लिखा भाई तुमने? अगर तुमने सेम लिखा तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत जवाब है, ये दोनों डिफरेंट नोट है, तो चलो हम डिफरेंट कर देंगे। उसके बाद अब सुनते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही सेम सुनाई देगा और तुमको बताना है सेम है या फिर डिफरेंट है। फिर से सुनाऊं, 1 2 3 4 5। क्या लिखा भाई? डिफरेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से गलत जवाब, ये दोनों सेम नोट है। जिसने सेम लिखा सही जवाब, डिफरेंट लिखा गलत जवाब। अब भाई तीसरा आ गया, तीसरा सुनते हैं, फिर से सुनो, 1 2 3 4 5। क्या लिखा? सेम या फिर डिफरेंट? अगर डिफरेंट लिखा तो सही जवाब है, सेम लिखा तो गलत जवाब है।
चलो लिखते रहना, नंबर लगाते रहना, नंबर लगाते रहना, कौन से में सही आ रहा है, कौन से में गलत जवाब आ रहा है, ताकि लास्ट में तुमको रिजल्ट पता चल सके खुद का कि तुम किस लेवल पे हो। उसके बाद मैं बताऊंगा जिस लेवल पे उस हिसाब से क्या करना है तुमको। सुनते हैं, फिर से सुनो, सेम है या फिर डिफरेंट है? 1 2 3 4 5 अगर सेम किया है सही है, डिफरेंट लिखा है तो फिर गलत उत्तर है। चलो अगला, फिर से सुनो, सेम या फिर डिफरेंट? 1 2 3 4 5 अगर सेम किया है सही है, डिफरेंट किया है गलत है। अगला क्वेश्चन, फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 क्या लिखा है, सेम या फिर डिफरेंट? अगर डिफरेंट लिखा है तो सही जवाब है, सेम लिखा है तो गलत। जवाब नहीं बदलना अपना, अपनी ईमानदारी अपने पास रखनी है, लास्ट में कमेंट करना है तुम्हारे कितने सही हुए कितने गलत हुए। सातवें नंबर का क्वेश्चन, फिर से सुनो, सेम है या फिर डिफरेंट? 1 2 3 4 5 सेम है भाई, अगर सेम किया है सही है, डिफरेंट लिखा है गलत है। और सुनो अगला क्वेश्चन, फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 क्या लिखा, सेम या फिर डिफरेंट? सेम, गलत जवाब मेरे भाई, अगर डिफरेंट लिखा तो सही जवाब। नाइन्थ क्वेश्चन, अब ये नोट सुनना ध्यान से, फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 क्या लिखा, सेम या फिर डिफरेंट? डिफरेंट लिखा सही है, सेम लिखा गलत है। अगला क्वेश्चन, फिर से सुनो, क्या ये दोनों नोट डिफरेंट है या फिर सेम है? 1 2 3 4 5 क्या लिखा, सेम गलत, डिफरेंट है। अगला, फिर से, सेम है या फिर डिफरेंट? 1 2 3 4 5 माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेम लिखा है तो बहुत बहुत बधाई हो, सही उत्तर, डिफरेंट लिखा है तो फिर गलत उत्तर है। अगला सुनो, सेम है या फिर डिफरेंट? 1 2 3 4 5 सेम, सही जवाब, डिफरेंट लिखा गलत जवाब। अभी टेस्ट बदल चुका है, अभी दूसरे टाइप का टेस्ट आएगा, 12 क्वेश्चन हमने किए एक जैसे टेस्ट के, तो उसमें तुम्हारे कितने नंबर है वो लिख के रखो, लास्ट में ग्रांड टोटल हम लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा टोन डेफ, तुम टोन डेफ हो या नहीं। अगर तुम बहुत बढ़िया नंबर से पास होते हो इसका मतलब म्यूजिक बना सकते हो, तुमको म्यूजिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आराम से है। अब देखो भाई, इंस्ट्रक्शन स्टेज बी का क्या है, इन दिस स्टेज यू विल बी आस्क्ड वेदर अ नोट इज स्वीपिंग अप और डाउन, एंड तुमको ये पूछा जाएगा कि जो आवाज है वो ऊपर की ओर जा रही है या फिर नीचे की ओर जा रही है। नोट्स जो होते हैं ना पियानो में, जब हम हायर ऑक्टेव में जाते हैं, हायर नोट्स में जाते हैं, तो आवाज पतली होती है और ऊपर जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो आवाज भारी होती है और नीचे जाती है। एग्जाम्पल मैं तुमको सुनाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का तुमको उत्तर देना है। एग्जाम्पल सुनो, ये जो है पहला वाला एग्जाम्पल है, ये ऊपर जाने वाले नोट का, यानी कि हायर पिच में धीरे धीरे जा रहा है उसका, ये एग्जाम्पल है। सुनो, सुना, वापिस सुनो, ऊपर जाने का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है नीचे जाने का, नोट नीचे जा रहा है ऊपर, हायर ऑक्टेव से लोअर ऑक्टेव में जा रहा है। सुनो, फिर से सुनो, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें तुमको बताना है कि ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है, ओके। चलो चलाते हैं नोट को और फिर सुनते हैं, और मैं पूछूंगा, 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा उत्तर, अपना लिख लेना पेन पे। फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 क्या लिखा तुमने, अप ऊपर जा रहा है या फिर डाउन नीचे आ रहा है? अगर डाउन लिखा सही जवाब है, अप लिखा भाई गलत जवाब है। दूसरा सुनो, क्या लिखा, फिर से सुनो, अप या डाउन? 1 2 3 4 5 अगर अप लिखा है तो भाई बहुत बहुत बधाई हो, गलत जवाब है, डाउन जा रहा है। ये स्टेज B3, अब इसमें सुनो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है,
फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? अगर डाउन लिखा भाई तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, गलत जवाब है, अप जा रहा है ये ऊपर। चौथा क्वेश्चन, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? 1 2 3 4 5 अप या डाउन? डाउन, बहुत बहुत बधाई, गलत जवाब, अप जा रहा है ये ऊपर। बी फाइव, अगला क्वेश्चन सुनो फिर से, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? 1 2 3 4 5 माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर जा रहा है ना, है ना, है ना, हाँ हाँ हाँ, गलत जवाब, डाउन, नीचे जा रहा है। अब बी सिक्स, बी सिक्स सुनो, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है? फिर से, क्या लिखा तुमने अपनी कॉपी में? 1 2 3 4 5 कमेंट करो नीचे, क्या लिखा, नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है? अगर तुमने बोला नीचे जा रहा है तो भाई बधाई हो, सही जवाब है, डाउन। बी सेवन और सुनो फिर से, सुनो, क्या लगता है ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? 1 2 3 4 5 क्या लिखा, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ऊपर ही जा रहा है। अब भाई अगला नोट सुनते हैं हम, ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, ऊपर ऑक्टेव में जा रहा है या फिर लोअर ऑक्टेव में आ रहा है, ये बताओ। 1 2 3 4 5 क्या लिखा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, है ना, है ना, सही जवाब है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी भाई बी नाइन, अगला क्वेश्चन, इसमें भी बताना तुमको, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, भाई ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बताना। 1 2 3 4 5 क्या लिखा, डाउन, डाउन लिखा, डाउन लिखा, सही है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, डाउन सही है। अब बी टेन, अगला क्वेश्चन सुनना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? फिर से, 1 2 3 4 5 क्या लिखा, क्या लिखा, हाँ ऊपर, ऊपर, अच्छा सही है भाई, ऊपर सही है, ऊपर ही जा रहा है। अब 11 का, 12 क्वेश्चन इसके होंगे, फिर अलग दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा, सुनो, ऊपर गया नीचे आया? 1 2 3 4 5 क्या लिखा, डाउन, सही है भाई, डाउन, अप लिखा तो गलत है, डाउन लिखा सही है। अब लास्ट वाला फिर से सुनो, क्या लग रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, मैं देख लो, मैं रिकॉर्डिंग चल रही मेरी, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? फिर से सुनो, क्या लगा? 1 2 3 4 5 डाउन, हाँ डाउन लिखा था भाई, गलत है, ऊपर जा रहा है। अब आगे तीसरा लास्ट टेस्ट है, ये फाइनल स्टेज है टेस्ट की, इसमें क्या पूछेंगे कि इन दिस स्टेज यू विल लिसन टू द नोट्स ए बी एंड देन आंसर बी इज हायर और लोअर देन ए, यानी भाई ये वाला जो है ये तो ए होगा, ये मैं दबाऊंगा ये बी होगा, तुमको ये बताना है कि ये जो दूसरे वाला है ये इससे पहले वाले से नीचे का नोट है या फिर ऊपर का नोट है, यानी हायर ऑक्टेव का नोट है या फिर लोअर ऑक्टेव का नोट है। अगर पहले वाले से हायर ऑक्टेव का होगा दूसरा तो वो पतली आवाज आएगी, और अगर लोअर ऑक्टेव का होगा तो वो भारी आवाज आएगी। एग्जाम्पल सुनाता हूँ, यहाँ पे देखो ये ए है पहले वाला, ये बी है, यहाँ पे बी जो है ए से हायर ऑक्टेव में है, तो सुनना इसको, ए तो सुनना फिर बी सुनना, ये ए है, ये बी है, सुनो ठीक है, तो ये हायर ऑक्टेव का होता है। अभी लोअर ऑक्टेव बी, ये वाला बी जो है, ये वाला बी, ये लोअर ऑक्टेव में, ये ए हायर ऑक्टेव में है, सुनना ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे बारह, उसमें तुमको बताना है कि बी जो है, बी वो ए से हायर है या फिर लोअर है। बी, एक ए पहले चलेगा फिर बी चलेगा, तो ए से बी हायर है या लोअर है, ये तुमको उत्तर देना है, ये थोड़ा टफ होने वाला है। ओके, तो चलो ए दबाता हूँ मैं और फिर बी चलाऊंगा, तुमको बताना है बी हायर है यानी ऊंचे ऊंचे सुर वाला है या फिर लोअर है नीचे सुर वाला है। ए बी, फिर से सुनो, अब बताओ भाई बी जो है हायर है या लोअर है, ये भाई टफ होने वाला है। 1 2 3 4 5 फिर से सुनाता हूँ तुमको, अगर तुमने लिखा कि बी लोअर है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत जवाब है, बी हायर है। अभी अगला क्वेश्चन, फिर से ए चलाऊंगा बी चलाऊंगा, बताना बी हायर है या फिर लोअर है। फिर से सुनो, बी हायर है या फिर लोअर? 1 2 3 4 5 क्या 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 क्या, लोअर, सच में, हाँ भाई सही जवाब है, सही जवाब है। चलो तीसरा, ए बी, दोबारा सुनो,
बी हायर है या फिर लोअर है? 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखा? लोअर है, बिल्कुल सही जवाब, 10 करोड़। भाई अब चौथा क्वेश्चन आ गया है, ए और बी चलाऊंगा, ए फिर बी चलाऊंगा, बी हायर है लोअर है तुमको बताना है। ए बी, फिर से सुनो, ए बी, बी क्या है, हायर है लोअर? 1, 2, 3, 4, 5 हायर लिखाना, हायर लिखाना, है ना, है ना। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, गलत जवाब है हायर लिखा तो, लोअर है बी। अब भाई पांचवा क्वेश्चन, ए चलाऊंगा, ए सुनो, अब बी, फिर से ए बी, बताओ बी हायर है या लोअर? 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखा? लोअर, गलत जवाब, बी हायर है। अब छठा क्वेश्चन आ गया, ए बी सेम क्वेश्चन है तो, ए वो सेम ही है, बी हायर है। चलो अब अगला, ए बी, ए बी, बताओ बी हायर है लोअर? 1, 2, 3, 4, 5 फिर से सुन लो, ये टफ है, ये टफ है, इसमें मेरे को लगता है एक बार और सुना होगा तुम। सुनो, ए पता चला, चला चला नहीं चला तो भाई बी लोअर है, अगर तुमने हायर लिखा तो गलत लिखा, और इसमें हो सकता है तुम चूक भी जाओ क्योंकि ये थोड़ा टफ है, ये पास पास की चीज है। अब फिर से ए चलाता हूँ बी चलाता हूँ, सुनना, ए बी, ए बी, 1, 2, 3, 4, 5 बी हायर है या फिर लोअर है? हायर लिखा तो गलत जवाब है, बी लोअर है। 9 नंबर का फिर से सुनते हैं, ए बी, ये तो सिंपल है, ए बी, बी हायर है या लोअर है? 1, 2, 3, 4, 5 फिर से सुन लेते हैं, बी यहाँ पे भाई मेरे हायर है, हायर सही जवाब, अगर तुमने लोअर लिखा तुम्हारा गलत हो गया, कांटा लगा देना। 10वें नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस, अब सुनो 10वें नंबर का, ए बी, ए बी, बी हायर है या लोअर है? 1, 2, 3, 4, 5 अगर तुमने लिखा हायर तो गलत है, बी लोअर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन सुनो, ए बी, ये थोड़ा टफ है, ए बी, बी हायर है या लोअर है? 1, 2, 3, 4, 5 अगर तुमने लिखा बी हायर है तो बिल्कुल सही जवाब, बी हायर ही है। लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है, ए बी, ए बी, बताओ बी हायर है या लोअर है? 1, 2, 3, 4, 5 अगर तुमने लिखा हायर तो बहुत बहुत बताइयो, गलत जवाब, बी लोअर है। तो भाई ये लो, ये हमारा टोन डेप टेस्ट हो गया पूरा, और इसके बाद रिजल्ट निकल के आ जाएगा, फाइनल स्कोर 35/36। तो भाई ये आ गया फाइनल स्कोर, फाइनल स्कोर में मैं भी एक क्वेश्चन चूक गया क्योंकि कई एकदम पास पास के थे, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नॉट अ टोन डेफ, यानी मैं टोन डेफ नहीं हूँ, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकता हूँ। टेल योर फ्रेंड्स द गुड न्यूज, माई फ्रेंड्स आर सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो भाई लोगों, मैं तो टोन डेफ नहीं हूँ, तुम हो या नहीं हो, तो अगर तुम्हारे 90% से ऊपर आते तो तुम बिंदास बिंदास बिना कोई टेंशन ये सोच सकते हो, 90% से, ये 97% आए, एक एक क्वेश्चन रहेगा मेरे से पता नहीं कौन सा, 90% तुम्हारे ऊपर आते बिंदास म्यूजिक बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे को म्यूजिक की समझ है। और अगर तुम्हारे 80% से ऊपर आते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत तुम्हारे में म्यूजिक की समझ फिर भी है, लेकिन अगर तुम्हारे 60% से ऊपर आते हैं, 60% से ऊपर आते हैं, 80% से नीचे आते हैं, तो थोड़ी बहुत तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन 60% से भी कम नंबर आए हैं तो भाई फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है पियानो पे। और पियानो पे किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, पियानो लेके आओ, उसके बटन जब तुम दबाओगे स्टार्ट से, इस साइड से शुरू करोगे तो मोटी आवाज सुनाई देगी, और जैसे जैसे आगे जाओगे, ऐसे ऐसे आगे जाओगे पियानो पे, तो इधर पतली आवाज आएगी। तो तुमको सुनना है अलग अलग नोट्स को, और कानों को बार बार में आदत डालनी है सुनने की, ये अलग अलग नोट्स है, अलग अलग पास पास वाले नोट्स को भी सुनना है और कानों को आदत डालनी है कि ये अलग अलग नोट्स है, इनका साउंड कैसा है, और कुछ नहीं करना, बस सुनना है, बजाना है, सुनना है, ध्यान देना है, और इसी तरीके से तुम अपनी टोन डेफनेस सही कर सकते हो। तो भाई लोगों, कौन कौन को कितने कितने नंबर मिले कमेंट करके बताना, 36/36 जिसको आए उस भाई को मेरी तरफ से एक पप्पी वाली इमोजी दी जाएगी। तो भाई कमेंट करके बताना कितने नंबर आए हैं, मैं थारा भाई जीतू। और भाई ये थी आज की टोन डेफ टेस्ट की वीडियो, साल का पहला दिन है तो मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ तुम्हारे सबको नई साल की, और उम्मीद करता हूँ कि नई साल में भाई फाड़ो म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिक बनाओ, मजे करो, और भाई यही मैं कहता हूँ, बीट बनाते रहो, मजे करते रहो।
चलता हूँ, नई साल की फिर से बहुत बहुत राम राम, जय सिया राम।